आज हम लोग नद्दा आत्मकथा चैप्टर जो संस्कृत में है उसका प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। तो पेज नंबर 7 से इसका अभ्यास शुरू होता है। तो पेज नंबर 7 में क्या दिया है, पहला प्रश्न पदानी बोधक, मतलब संस्कृत के शब्दों का हिंदी में अर्थ बताना है। हम बोलते जाएंगे, आप लोग भी बोलना। वसुंधराया, वसुंधराया माने पृथ्वी का, पृथ्वी ठीक है। हम जो बोलेंगे उसका हिंदी आप बोलोगे सागरम, सागरम समुद्र को, समुद्र को निसृत्य, निसृत्य निकल कर, निकल कर उत्पादन्ते, उत्पादन्ते उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं महानगराणाम, महानगराणाम महानगरों का, महानगरों का भोजनेन, भोजनेन भोजन से, भोजन से मातृरूपे, मातृरूपे माता के रूप में, माता के रूप में विषाणाम, विषाणाम वृक्षों का, वृक्षों का पादपानाम, पादपानाम पौधों का, पौधों का वनौषधीनाम, वनौषधीनाम जड़ी बूटियों का, जड़ी बूटियों का पालयामि, पालयामि पालन करती हूँ, पालन करती हूँ प्रवेशामि, प्रवेशामि प्रवेश करती हूँ, प्रवेश करती हूँ सिंचयन्ते, सिंचयन्ते सींचे जाते हैं, सींचे जाते हैं नाम अभी, नाम अभी नामों से, नामों से प्रवाहामि, प्रवाहामि बहती हूँ, बहती हूँ सर्वकारः, सर्वकारः सरकार, सरकार महाबंधनान, महाबंधनान बड़े बांधों का, बड़े बांधों का निर्माय, निर्माय बनाकर, बनाकर चिपकंती, चिपकंती डाल देते हैं, डाल देते हैं निरामया, निरामया रोग रहित, रोग रहित भद्राणी, भद्राणी अच्छा, अच्छा कश्चित, कश्चित कोई, कोई। ये थे कुछ शब्द जिनके उत्तर। अब दो नंबर दिया है आमा अथवा न माध्यमेन उत्तरत। इसमें दो आपके ऑप्शन है आमा और न। तो पहला दिया है किम नदी वसुंधराया सौंदर्यम अस्ति, तो लगा आमा, क्या लगा आमा। दूसरा है किम नद्या जलम प्रदूषणम करणीयम, हो जाएगा न। कोई नदी प्रदूषण फैलाती है क्या, नहीं, हो जाएगा न। तीसरा किम झारखंड प्रदेशे नद्या बहंती, आमा ठीक है। द नंबर नेक्स्ट किम भारते नद्या विशालतम रूपम अमेजन इति अस्ति, न। अंग नंबर किम जलम बिना जीवनम संभवम अस्ति, क्या जल के बिना जीवन संभव है, नहीं। क्लियर हो गया। तीन नंबर अधो लिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, मतलब जो नीचे अधो लिखित माने नीचे है ना, नीचे जो प्रश्न दिए गए इनके उत्तर कैसे दे रहे हैं एक पद माने एक शब्द में। पहला प्रश्न नदी कुत्र प्रविशति, नदी प्रवेश कहाँ करती है, सागरम, उत्तर हो जाएगा सागरम। खा नंबर का सर्वदा गतिशील अस्ति, हमेशा गतिशील कौन रहता है, नदी। तीसरा राष्ट्राणाम विकासे कस्य महति भूमिका भवति, राष्ट्र के विकास में देश के विकास में किसका सबसे ज्यादा महत्व है, नद्दा नदियों का। नेक्स्ट नदी तटेषु केषां विकास भवति, नदी के तट में नदी के किनारे किस चीज का विकास होता है, महानगराणाम बड़े बड़े जो शहर हैं सभी शहरों का विकास नदी के तट पर किनारे पर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राणी जीवनाय किम अत्यावश्यकम अस्ति, प्राणी के लिए मनुष्य के लिए सभी जानवरों के सभी मनुष्य के लिए चाहे जानवर के लिए क्या जरूरी है, पर्यावरण, इसका उत्तर होगा पर्यावरणम। तीन चार नंबर अधो लिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखत, तीन नंबर में क्या था एक पदेन और अभी क्या है पूर्ण वाक्य माने एक वाक्य। पहला झारखंड प्रदेश का नद्य प्रवंती, मतलब झारखंड प्रदेश में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, उत्तर देगा झारखंड प्रदेश स्वर्ण रेखा कोयल दामोदर है ना आद्य नद्या प्रवंती, बहुत से नदी बहती है सबका नाम लिखा मुश्किल इसलिए इत्यादि नदियां बहती हैं, प्रवहंती मतलब बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन
पश्चिम दिशायां नदी कह नाम भी प्रवती, पश्चिम दिशा में जो नदियां बहती हैं उनके नाम बताइए। पश्चिम दिशाएं नदी क्या क्या, नर्मदा, माही, साबरमती, लूनी, ये सारे नदियां जो है ये कहां बहती है, देश के पश्चिम दिशा में प्रवहन है ना, प्रवहती बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नद्या ध्येय वाक्यम किम अस्ति, नदी का आदर्श वाक्य क्या है, नदी से हमें नदी क्या चाहती है हमारे लिए, नदी का क्या देन है। नद्या ध्येय वाक्यम अस्ति, उत्तर हो जाएगा सर्वे संतु सुखिना, बोलो सर्वे संतु सुखिना, सर्वे संतु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, सभी सुखी रहे, सभी अच्छा देखें, अच्छा सोचे, किसी को कोई दुख नहीं हो, यही नदी का क्या है, आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी कुतः निसृत्य कुत्र प्रविशति, नदी कहां से निकलती है और कहां प्रवेश करती है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा नदी पर्वतानां पुण्यतेभ्य स्थलेभ्य निसृत्य सागरं प्रविशति, मतलब नदियां कहां से निकलती है, पर्वतों से निकलती है, हिमालय से निकलती है ना मैक्सिमम हमारी अधिकांश नदियां है, और प्रवेश कहां करती है, कुल मिला के अंत में सागर में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, रेखा किंत पदानी, नहीं एक क्वेश्चन और है ना, झारखंड प्रदेशे केशाम दुर्लभा प्रजातय प्राप्यन्ते, क्या क्या, इसका उत्तर लगा झारखंड प्रदेशे वृक्षाणाम पादपानाम वनौषधानाम च दुर्लभ प्रजातय प्राप्यन्ते, झारखंड में दुर्लभ वन औषधि पाए जाते हैं, दुर्लभ पौधे पाए जाते हैं, दुर्लभ वृक्ष पाए जाते हैं, है ना। 5 नंबर, रेखांकित पदानी आधृत प्रश्न वाक्यानि लिखत, ये सरल वाक्य में दिया है उसको प्रश्न बना के आपको लिखना है। क नंबर, अहम भोजनेन जनान पालयामि, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कि अहम केन जनान पालयामि। दूसरा, भारते मम अनेकानि रूपाणि सन्ति, है ना, तो इसका हो जाएगा भारते मम, है ना, अच्छा चलिए। 6 नंबर, उदाहरणम दृष्ट्वा पदी पद परिचयम लिखत, इसमें दिया है प्राणी, कुछ पद दिए हैं, कौन सा विभक्ति है, कौन सा वचन है। पहला, प्राणी जीवनाय, प्राणी जीवनाय चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, वृक्षाणाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, बंधा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, जलेन तृतीय विभक्ति का एक वचन, विकासाय ये हो जाएगा आपका चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, और 7वां नंबर है उचित पदय सह मेलन कुरुता, जैसे हम लोग मिलान करते हैं ना, वसुंधराया, वसुंधराया के साथ हो जाएगा पृथ्वीभ्याम, राष्ट्रस्य देशस्य विख्याता प्रसिद्ध संचयम संग्रहम बाहुल्यं मतलब वसुंधरा का मतलब पृथ्वी, राष्ट्र से मतलब देश का, विख्यात मतलब प्रसिद्ध, संचय मतलब संचित करना जमा करना, बाहुल्य मतलब अधिकता। इस तरह से हम लोग ये जो हमारा